गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, वहाँ मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप, तो कहते हैं वहाँ भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते हैं बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए, अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहाँ पर परमात्मा की तरफ अगर झांख भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये नियम है ईश्वर। और तुम चरण छुओ औरा के किसी सासू के कि तो ससुरे के कि तो और बड्डे छोटे के सपने में भी ना छूने चाहिए अपन, भाव ये नहीं है कि हमने किसी का सत्कार नहीं करना है या किसी को प्यार नहीं देना है या शिष्टाचार खत्म कर देना है, नहीं, वो शिष्टाचार के तरीके गलत कर लिया हमने। और पुत्र वधु सासू के चरण छुया करे नो चरण दाबेगी नो और वह नो कहे बेटी बूढ़ सुहागण हो दूध दान आओ कुत्ता फड़ियो, अब वो छोटी मोटी को पूर्व जन्म की को कमाई हो वह बहुत ही सौंप दी, आप खाली खोखा होगी। हम चरण इसलिए छुया करते कि ये खुश होकर अपना आशीर्वाद दे दे, कुछ लाभ मिले, और चरण छूटते कौन सा बुढ़े के को पैरों का दर्द ठीक हो है। अगर मान ले किसी बुजुर्ग के चाहे बड़े के चाहे छोटे के, आपसे छोटे बाण बेटी भाई जैसे बहने हैं, आपसे बड़ी सास का की पिंडी दुखे हैं, तो उनके पैर दबाओ खूब अच्छी तरह, एज है मरीज जान के आवश्यकता समझ के वो बेशक सेवा करो, मालिश करो, सिर में करो, पैरों में करो, तलव्या में करो, है किसी तरह सेवा करो, पाँ दो गर्म पानी तें जब को ठंड लाग रही होता है सेवा कर दो, लेकिन एक औपचारिक जो चरण छूने ये भक्ति मार्ग में बाधक है, ये नहीं करना। तो वहाँ गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियों मिलाए, तो वहाँ गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। पुणात्माओं इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं, जैसे आप जी के पुण्य जब तक चल रहे हैं पूर्व जन्म के, तो तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं, संतान भी अच्छी है, पुत्र पुत्री होगी, उनकी शादी विवाह भी कर दिए, उनको भी संतान होगी भगवान उनके संस्कारवश, और जब तक आपके पुण्य हैं तो आप जी को कोई आपत्ति आई नहीं। जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे उसके बाद आपके पापों का दौर शुरू होगा, तो पापों का दौर जब शुरू होगा तो कष्ट पर कष्ट आएंगे। अब जो व्यक्ति घने दुखी हो जाते हैं ना, वो क्या कहा करें कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया, इसलिए हम पाप पति आएगी। अब राम रूठ गया पुण्य अक्षीण हो गए पाप शुरू हो गए, तो कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, राम रूठ गया आपका, गुरु की शरण में जावे, कबीर हरी जय रूठ जा गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रूठ गया, दुख हो गया, आपत्ति आई, तो संत की यानी परम संत की शरण में जावे गुरु। अब गुरु कहो तो सदगुरु कहो, क्योंकि आप समझ गए इस बात को कि झूठे जो नकली हैं वो गुरु भी नहीं है लेकिन गुरु कहलाते, इसलिए सतगुरु कहा। लेकिन अब सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो, आपको समझ में आ गया कि जब पूरे संत हैं उन्हीं के विषय में बताया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहां कहां पर्वतों पर गुफाओं में बर्म्या भटक्या, और संत मिले भगवान जैसे, संत मिल गए परम परम संत मिल गए, वो सुख दिए जो भगवान दिया करता है। जैसे आप जी एक तरफ तो हैंडपंप है,
जिसमें से जल निकलता है मीठा, और एक तरफ आपके घड़े में जल है। जब तक आपके घड़े में जल है और आप कहीं घर पे हो, चाहे कहीं मजदूरी कर रहे हो, दुकान पे, खेत में, कहीं पर भी हो, तो आपको कोई आपत्ति नहीं। प्यास लगी, गट गट पानी पी लिया, और जब मटके का जल समाप्त हो गया घड़े का, फिर आपत्ति आई, समस्या आ गई, प्यासे मर गए। फिर चले कहाँ, हैंडपंप के पास। हैंडपंप पर गए और वहाँ हैंडपंप की सेवा की, और फिर मटका भर लिया। सेवा में पूजा, यानी जो उसका विधि विधान है, वो हलाया उसको, डंडा फेरा उसका हैंडपंप का हैंडल, और जल भर लिया, मटका भर के आ गए। तो आप जी के पुण्य क्षीण हो गए, आपका मटका खाली हो गया। कहाँ जाइए, संत के पास, गुरु जी के पास, और जैसे गुरु जी साधना सेवा बताएं, वो हैंडल लाइए, यानी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, साधना कीजिए, फिर मटका भर जाएगा। और यदि कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्मा एक तरफ हैंडपंप है और एक तरफ एक मटके में आपके घड़ा भरा दिया है, और एक तरफ परमात्मा खड़े हैं, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं। आपसे परमात्मा प्रसन्न कर रहे हैं कि तुम किसको चाहोगे। हैंड पंप को चाहेंगे हम, बुद्धिमान होगा तो। अब कोई ना कहे तुम मटके का जल चाहिए या हैंड पंप, तो हैंड पंप में तो हजार मटके भर ले, और हैंड पंप। अब जैसे परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठ जा, रूठते गुरु की शरण में जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना करे सहाय। आप जी ने हैंडपंप की ठीक मेंटेनेंस करी नहीं, हैंडलिंग ठीक करी नहीं, हैंडपंप खराब हो कर दिया। हैंडपंप खराब हो गया तो गुरु जी रूठ गए, अब वो जल नहीं मिलेगा, वो जल मिलेगा नहीं जो हैंडपंप से मिलना था। जब आपका राम रूठा, गुरु जी के पास गए, आपको विधि बताई, साधना दी, अपना आशीर्वाद से कुछ लाभ दिया, और यदि आप जी ने गुरु जी को रुष्ट कर लिया, एंड पंप ही खराब कर दिया, तो फिर क्या मिलेगा। एंड पंप खराब हो गया तो बेसे गलाए जाइए डंडे ने, कोई लाभ नहीं होना उस हैंडल से। गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना हो, ताको काल घसीट ही राख सके ना को। कई कहे घर ने भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आते हैं उनके मन का दोष निकलता नहीं, और फिर उनको हम यहाँ खुरका धमका देते हैं, भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तुम छोड़ नहीं रहे तो मत आया करो, फायदा क्या होगा। या कोई और गलतियाँ करते हैं, मन में दोष नहीं निकलता, तो वो फिर घर छोड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, खा लो धक्के। पृथ्वी पर कोई नहीं संत आज के दिन, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। और जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना दे। तो यहां से जो आप गुरु जी रूठ जाते हैं, गुरु के दिल से उतरे, जो गुरु जी के मन से उतर गया कि आदमी ठीक होना, या बहन बेटी भक्ति नहीं कर रही है, या बकवाद करते हैं, ड्रामाबाजी करें, तो वो दिल से उतर गए तो उनका नाम कट गया। और कहते उनको काल घसीट ही राख सके नहीं कोई। तो यहां क्या बताए हैं कि गुरु के रूठते हरि की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे साए। एंड पंप खराब कर लिया तो आपका जो है जल ने लाभ देना बंद कर दिया, जल मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। यहां भी दुखी होंगे वो व्यक्ति जिस किसी पुण्यात्मा ने यहां पर इस दास के साथ रहकर भक्ति करी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, और फिर अपनी नालायकी ते को गलती करके यहां से निकल गया और चला गया कहीं और, धक्के खा भैया घर पे रहता है। तो उसको जब तक उसके पुण्य इस 3 साल में किए हुए सत साधना और भक्ति के जो पुण्य हैं,
वो जब तक उसके चलेंगे वो मटका भरा हुआ है, भर लिया उसने, और अग एंड पंप खराब कर लिया। जब तक वो घड़ा पानी का चल रहा है, रोजाना एक गिलास, दो गिलास, चार गिलास घट ही रहे, उसमें प्रवेश नहीं हो रहा, आउटपुट ही है, इनपुट नहीं है उसके अंदर, तो एक दिन वो अक्षीण होंगे। हो सकते हैं वह 2 वर्ष में हो, 4 वर्ष में हो, 5 वर्ष में हो, 10 वर्ष में, फिर उनकी वही दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि हैंडपंप खराब कर दिया। और जो हो गए गुरुद्रोही, ठीक है, ऐसे व्यक्ति है नया, फिर दुखी सुखी बांध लग रहे हैं, 1 साल में आया, कोई 4 साल में आए, धक्के खा के बिरान मैटी होली, दोबारा फिर आ रहे हैं, आना चाहिए, कोई बात नहीं, एक दो बार हम खुरकावा धमकावांगे, लेकिन हमने तो उतने अच्छे लगते हो अपने बच्चों की तरह। और जो हो जाते हैं गुरुद्रोही, उसको तो कदे असंग जन्म भी भगवान मनुष्य जन्म नहीं देगा, ठीक है, अब तक वो पुण्य है, उसके चलते रहेंगे, जितने 1 वर्ष चलेंगे, 10 वर्ष चलेंगे, 20 वर्ष चलेंगे, आगे वह दुर्गति होगी इस प्राणी की, सोची भी नहीं जा सकती। तो पुण्यात्माओं, जय इब कै सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख अखुरो चरण ऊपर शीस धरूं, कहो जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं, ये जो वाणी हम बोलते हैं प्रतिदिन, उनका अब निष्कर्ष समझ में आएगा आपके। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। अब जब सही ज्ञान आपको हो जाएगा, उससे मैं समझ में आवेगी कि हे परमात्मा, हे गुरु जी, आप हमसे भूलियो मत, आपके पास से लाखों लोग आ जाएं, क्योंकि सब दुखी आत्माएं आकर यहाँ सुख ग्रहण करती हैं, तो वो तो आपको चाहेंगी, आप हमने ना भूलिए, क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगी आत्माएं भगत, लेकिन मुझ भगत को आप जैसे सतगुरु नहीं मिलेंगे इस पृथ्वी पे। जय इब कै सतगुरु मिले, सतगुरु नकले गुरु तो नेरे मिल लिया हमने, सब दुख आखों रो। ये बातें हैं पुण्यात्मा जो दूसरे पंथों के पास, संतों के पास 20-20 वर्ष, 30-30 वर्ष बर्बाद करके रोते हैं, यहाँ पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखते, जब यू ज्ञान समझ में आ जाता है, रात को भी कहते बैठ कर रोते, हमारा क्या हाल हो गया, ये कहाँ गया, इतना जीवन बर्बाद कर दिया हमें, हैं अरे परमात्मा बड़ी दया हुई, अब सतगुरु का मार्ग मिल गया। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, वो पूछेंगे कुशलाते, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अब जो दूसरे पंथों से आते हैं, जब उनको पता चल जाता है, क्योंकि इस ज्ञान पुस्तक हमने छापी है, ज्ञान गंगा वितरित कर रहे हैं भगवान, उसको पढ़कर अब दूसरे पंथों की पुण्यात्माएं रो रो कर आ रही हैं, भटक रही हैं, और बताती हैं कि इतने दिन मैंने वहां बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं मिला, ये नुकसान हो गया, इतना जीवन बर्बाद हो गया। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। और फिर कहते हैं गुरुजी आप ना भूलियो हमें, और आप भूल गए फिर कहां जाएंगे, हमें कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पर, हम जैसे तो आप जी को बहुत अच्छी आत्माएं और भी बहुत मिलेंगी, मिल जाएंगी, लेकिन आप जैसे गुरुदेव हमें नहीं मिल पाओगे। पुण्यात्माओं, आप जी का बहुत ही अच्छा सौभाग्य है, जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके साथ हैं, जो आप जी को इस पीक टाइम में, इस भक्ति काल में आपका मनुष्य जन्म है, और पूरी पृथ्वी पर जिसको मानव शरीर प्राप्त है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उनसे अधिक पुण्यकर्मी वो हैं जो यहाँ जुड़ जाएंगे, इस मालिक की शरण में आ जाएंगे, इस दास